पेमेंट्स करनी है अपने वेंडर्स को उसने ना सिर्फ ये रिकॉर्ड रखना है कि हमने पैसे देने कब हैं देने कितने हैं बल्कि ये भी हिसाब रखना है कि ये जो पैसे हमने देने हैं वो किन किन वेंडर्स को देने हैं जैसे ही आपके वेंडर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है आपको पूरा अकाउंट्स पेबल एक सेक्शन बनाना पड़ता है जो कि ये रिकॉर्ड रखता है कि हमारे किन किन वेंडर्स को हमने कितनी कितनी पेमेंट्स कब करनी है हमारे पास एक और काम ये होता है कि बहुत सारे वेंडर्स मुख्तलिफ नामों से हमें सप्लाईज़ कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा वो चाहते हैं कि हम एक पेमेंट किसी और हेड में या किसी और नाम से उनको अदा कर दें ये तमाम रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है नॉट ओनली फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी हैव टू गेट आर अकाउंट्स ऑडिटेड हमने ऑडिट भी करवाना है इलीगल भी ना हो काम और हम ये ऑडिट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज को भी दिखा सकें कि ये सारा काम हमने वक्त पर किया हुआ है इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना एक बंदे का काम नहीं होता कि पूरा डिपार्टमेंट ये काम करता है आए छोटी सी मिसाल देखते हैं कि अकाउंट्स पेबल में होता क्या है अकाउंट्स पेबल में सबसे पहले आपको एक मिसाल के तौर पे यूटिलिटी कंपनी जो कि बिजली की कंपनी हो सकती है आपको आपके आपके बिजली का बिल बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन भेजती है आपने ये बिल फौरी अदा नहीं करना होता आपने ये बिल 10 या दो हफ्ते के अंदर अंदर अदा करना होता है लेकिन इसको आप अपने पास रिकॉर्ड ज़रूर करते हैं बहुत सारे लोग जो अकाउंट्स का सिस्टम नहीं चला रहे वो इसे फाइल में लगा लेते हैं या कहीं दराज में रख देते हैं लेकिन एक अकाउंट्स पेबल का तरीक़ेक ये है कि इसको हम फौरन रिकॉर्ड करते हैं और इसकी लास्ट डेट ज़रूर अपने पास रखते हैं ताकि हमें पता हो सके कि इस डेट से पहले हमने ये चीज़ अदा करनी है जब हम ये अपने पास रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे पास अकाउंट्स पेएबल के खाते में खड़ा हो जाता है और ड्यू डेट से पहले हमें सिस्टम अलर्ट करता है प्रॉम्प्ट करता है बताता है कि आपने ये पेमेंट करनी है हम देखते हुए अपने फ़ंड्स ये पेमेंट रिलीज़ करते हैं और ये पेमेंट बैंक में जाके जमा करवा देते हैं और हमारा अकाउंट्स पेबल जो है वो उस अमाउंट से कम हो जाता है और कैश हमारे पास से निकल जाता है लेकिन विद इन ड्यू डेट हमारी पेमेंट हो जाती है ये पूरा साइकिल हर महीने चलता है यही तरीक़ार हमारी दूसरी पेमेंट्स का भी होता है जो एज पर आर कॉन्ट्रैक्ट हमने करनी होती है भले वो तीस दिन के अंदर हो दस दिन के अंदर हो या मंथली हो यही तरीक़कार हमारा हमारे अकाउंटिंग जर्नल में भी रिकॉर्ड किया जाता है जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए रिसीव करते हैं जिसकी पेमेंट हमने करनी है तो हम अपने बुक्स में एंट्री करते हैं जिसमें हमारा अकाउंट्स पेबल खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही हमारी इन्वेंट्री अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है उसमें भी एक डेबिट एंट्री आ जाती है लेकिन जैसे ही हम ये पेमेंट इसकी कैश या चेक के थ्रू करते हैं तो हमारा कैश या बैंक कम हो जाता है और हमारी अकाउंट्स पेबल ख़त्म हो जाता है लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ साथ हमें अपने तमाम वेंडर्स का भी डेटा रखना जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम ये काम किसी वेंडर के साथ कर रहे होते हैं तो वो एज एंड वन रिक्वायर्ड वो कभी भी हमसे अपना पूरा का पूरा लेजर मांग सकता है इस लेजर को हम कहते हैं सब्सिडरी लेजर सब्सिडरी लेजर हमारे तमाम वेंडर्स का लेजर होता है हमने उनसे जितना लेन देन करना है वो सारा हम इसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं और एज एंड वेन रिक्वायर्ड हम उनको दिखा भी सकते हैं ये लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि हमें ये देखें कि हमने इस पूरी चीज के अवश्य सेल टैक्स कितना दिया है ये तमाम चीज़ें देखने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम इनका रिकॉर्ड रखते हैं और अगर हमने इनकी कोई कटौती की है अगर हमने इनका कोई विदहोल्डिंग टैक्स काटा है तो वो भी हम अपने तमाम वेंडर्स को बताते हैं कि हमने आपका ये ये अमाउंट्स का विध होल्डिंग टैक्स काटा है ये हमारे पास रसीट है कि हमने आपका विध होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा दिया है और यही रिक्वायरमेंट हमारे तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज़ की भी होती है कि जितना जितना हमने टैक्स पेमेंट करते वक्त विद होल्ड किया है वो हम उसकी पूरी तफसल गवर्नमेंट को दें और पूरी की पूरी पेमेंट ट्रेजरी में जमा कराएं। इन तमाम वेंडर्स का डेटा मेंटेन करना इनका रिकॉर्ड रखना और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इनके लेजस प्रिंट करना रिपोर्ट्स बनाना ये तमाम अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट का एक बहुत ज़रूरी फरीज़ा है इस पूरे सिस्टम को जो हम डिफ़ाइन करते हैं इसे अकाउंट्स पेबल सिस्टम कहा जाता है जिसमें तमाम वेंडर्स का इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स मौजूद होता है टैक्स की डिटेल्स मौजूद होती है कितना हमने टैक्स ट्रेजरी में जमा कराया है वो मौजूद होता है और अगर टैक्स रिसीट या चालान के नंबर्स होंगे वो भी हमें लीगली अपने वेंडर्स को फरहाम करने होते हैं अगर आप इस पूरे अकाउंट्स पेबल प्रोसेस को देखना चाहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें कोई गुड या सर्विसेज दे रिक्वेस्ट करने का तरीका हमेशा परचेज़ ऑर्डर से शुरू होता है परचेज ऑर्डर हमेशा हम अपने वेंडर को भेजते हैं वेंडर एज पर स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट हमें वो सर्विसेज और गुड्स देता है जब भी वो गुड्स हमारे पास आएंगे तो हम ये इंस्पेक्ट करते हैं कि गुड्स एज पर स्पेसिफिकेशन जो हमने उसे भेजी थी है या नहीं क्योंकि हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन गुड्स की पेमेंट नहीं करेंगे जब भी हमारे पास कोई गुड्स आएंगे या सर्विसेज आएंगे इट शुड बी टू द दैटिस्फैक्शन ऑफ आर यूजर्स हमने गुड्स मंगवाए इंस्पेक्शन की और उसकी दी हुई इन वॉयस अगेंस्ट दो गुड्स और सर्विसेज अपने पास रिकॉर्ड कर ली हम ये देखते जाएंगे कि हमारा परचेज ऑर्डर जो उसको अपने वेंडर को हमने भेजा था वो पूरी तरह से फुलफिल हुआ है या नहीं पार्शली फुलफ़िल हुआ है या आइंदा आने वाले दिनों में पूरा कंप्लीटली फुलफ़िल होगा यह सारा रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन करना जरूरी है इसके बाद हम ये मैच करेंगे कि उसने जो इनवॉइस दी है वो हमारे पीओ से मैच करती है या नहीं सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन क्वांटिटीज दे शुड ऑल मैच बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू रेज अ रिसीविंग रिपोर्ट या कंप्लीशन रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट हम बताएंगे उस वो डिपेंड करेगी हमारे परचेज ऑर्डर पे, उस इनवॉइस पे जो उस वेंडर ने सप्लायर ने हमें दी है हमारी गुड्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे जो हमने इंस्पेक्शन की है ये तमाम चीज़ें मैच करने के बाद हम उसे पेमेंट रिलीज़ करेंगे इस पूरे प्रोसेस से ही आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट का काम सिर्फ बैठ के कागज भरना ये रिकॉर्डिंग नहीं है बल्कि इसका काम थोड़ा सा ज़्यादा है इसने इंश्योर करना है कि जो सर्विसेज या गुड्स आप ख़रीद रहे हैं वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट हैं या नहीं गुड्स इंस्पेक्शन यकीनन अकाउंटेंट नहीं कर रहा होगा गुड्स इंस्पेक्शन वो बंदा करेगा जो ये गुड्स समझता है या सर्विसेज जो आपको दी जा रही हैं उसकी भी रिपोर्टिंग वो बंदा करेगा जो ये बंदा समझता है कि ये सर्विसेज ठीक हैं या नहीं है लेकिन उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बगैर अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रोसीड नहीं करेगा जब तक उसके पास रिटर्न अप्रूवल ऑफ द सर्विसेज और रिटर्न अप्रूवल ऑफ द गुड्स रिसीव नहीं आ जाती पेमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रोसेस्ड सिंपल इज दैट जब ये तमाम चीजें ओके हो जाती हैं एज पर द दैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर एज पर सैटिस्फैक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ओनली देन पेमेंट इज रेडी टू बी रिलीज रिलीज भी किस तरह कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन के आ गया और आपने उसे साइन करके चेक बना दिया आपने उसके बाद वो टर्म्स एंड कंडीशन देखनी है जिसके ऊपर आपने ये पेमेंट रिलीज करनी है क्या आपने सारी पेमेंट एक कुछ देनी है या आपने उसकी किस्तें करके देनी है इस इसमें से आपने टैक्स क्या काटना है और जब आप इस पेमेंट की तैयारी करेंगे तो आपको ये तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपनी पेमेंट चेक या कैश रिसीट जो भी आप अपने मैनेजमेंट को पेश करना चाह रहे हैं उसके साथ लगाएंगे और जस्टिफाई करेंगे ये पेमेंट क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली ऑडिटेबल फ़ॉर द कंपनी बट इट इज़ आल्सो ऑडिटेबल फ़ॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज एज़ वेल तो आपने अपने मैनेजमेंट को भी करना है कि ये पेमेंट बजा है और इसके तमाम लवाजमात पूरे हो चुके हैं आपने सारी चेकिंग कर ली है स्पेसिफिकेशन सही है टाइमली रिसीट हुआ है इसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन पूरी हो गई हैं और अब वी आर रेडी टू रिलीज दिस पार्ट ऑफ द पेमेंट अगर पूरी पेमेंट हो रही है तो तो भी रिकॉर्ड करना और अगर पार्शल पेमेंट हो रही है तो आपका काम बढ़ जाता है क्योंकि अब हमने देखना है कि नेक्स्ट पेमेंट कब ड्यू है आप इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए जैसे जैसे हमारे वेंडर्स बढ़ते हैं हमें टीम बढ़ानी पड़ती है लेकिन वी हैव टू बी विजिलेंट क्योंकि पेमेंट करना बेसिकली एक खर्चा है जो आपकी कंपनी कर रही है वो उस बिजनेस की खातिर जो वो करती है लेकिन हमें इंश्योर करना है कि वी गेट द बेस्ट आउट ऑफ द गुड्स एज वेल एज द सर्विसेज अगर हमें गुड्स अच्छे नहीं मिल रहे तो हम यकीनन अपना प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना पाएंगे अगर हमें सर्विसेज़ टाइमली और अच्छी नहीं मिल रही तो हम आगे भी सर्विसेज़ टाइमली और अच्छी नहीं दे पाएंगे इसलिए ये तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और इनकी पेमेंट भी उसी तरह से इनकी क्वालिटी के साथ जुड़ी होती है। अकाउंट्स में डिपार्टमेंट वो की डिपार्टमेंट है जो इंश्योर करता है कि आप पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कर रहे हैं जब इसकी अशद ज़रूरत है और अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट इन तमाम चीज़ों को देख कर हमें यह बताता है कि इस पूरे खर्चे में हमें कोई ख़ास नुकसान तो नहीं हुआ डिलेट पेनल्टीज तो नहीं पड़ गई कोई डिस्काउंट तो हम मिस नहीं कर गए ये तमाम चीज़ें अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट अपने पास रिकॉर्ड करके एज एंड वेन अलर्ट्स रेस करता रहता है मैनेजमेंट के लिए सो इन ऑर्डर टू बी विजिलेंट इट हैज़ टू बी अ रोबर्स डिपार्टमेंट विथ इट्स आइज़ ओपन और इसे हर चीज़ जो हम खरीद रहे हैं सर्विसेज जो ले रहे हैं उनकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है यानी बेसिकली इट नीड्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस वेरी वेल दूसरी चीज़ जो इसे अच्छी तरह हैंडल करनी आनी चाहिए वह हैं गवर्नमेंट एजेंसीज ऑडिट डिपार्टमेंट्स जो गाहे बगाहे आपकी परचेज़ को चेक करने के लिए आते हैं अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट ना सिर्फ ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए ताकि उन्हें दिखा सके, या ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए बल्कि अपने वेंडर्स के लिए भी कि एज एंड वेन रिक्वायर्ड वो अपना लेजर या टैक्स की डिटेल मांगे तो हम उन्हें फौरी तौर पर दे सकें